बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू का हमारा यह सेकंड लेक्चर है। कल पहला लेक्चर हुआ था जिसमें हमने डिस्कस किया था उर्दू जुबान का इर्तिकाब, उर्दू जुबान की इब्तदा कैसे हुई। उसके बाद हमने देखा था सर सैयद अहमद खान की क्या खिदमात हैं उर्दू के लिए और उनके कुछ रुफ़ाकार जिन्होंने जो तहरीक अलीगढ़ से निकले। फिर मैंने आपको जो थे ओल्ड पोइट्स उनके बारे में बताया कि उधर से क्वेश्चन आ सकते हैं ओल्ड पोइट्स जैसे मीर तकी मीर, मिर्ज़ा गालिब, ये लोगों के। और फिर हमने देखे थे जदीद पोइट्स जो हैं मॉडर्न पोइट्स, परवीन शक्कर हो गई, नासिर काजमी हो गया और अहमद फराज और ये लोग जो हैं बसी शाह, से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद जी जो पांचवी फील्ड है वो है जी उर्दू ड्रामा। देखें जी उर्दू ड्रामे की इब्तदा वाजिद अली शाह के अहद में लखनऊ से हुई। कहाँ से इब्तदा हुई थी इसकी? लखनऊ से। इसमें इस जमाने में सैयद आगा हुसैन अमानत लखनवी ने एक ड्रामा इंदर सभा लिखा। इस ड्रामे को इसलिए आज से बजा तौर पर उर्दू का पहला ड्रामा कहा जाता है। इंदर सभा ड्रामे को पहला ड्रामा कहा जाता है उर्दू का। इसे पहली दफा आवाम के सामने स्टेज पर पेश किया गया। ये ड्रामा बहुत मकबूल हुआ। 19वीं सदी के आखिर में उर्दू थिएटर का आगाज हुआ तो जरूरत के तहत अनगिनत ड्रामे लिखे गए। कि शुरू में जब उर्दू नई नई आई तो उर्दू के अंदर पहला जो ड्रामा है वो ये ड्रामा हुआ जो स्टेज के ऊपर पेश किया गया। उसके बाद तो फिर ड्रामों की वो बता रहे कि भरमार हो गई और डिफरेंट टाइप के ड्रामे आते गए। इसमें जो है आगा हशर कश्मीरी, इनका भी एक अच्छा नाम है और इन्होंने 20वीं सदी के आगाज में उर्दू ड्रामे को एक नया मोड़ दिया। तो ये दो नाम सैयद आगा हुसैन अमानत लखनवी और आगा हशर काश्मीरी, इन दो लोगों ने जो है उर्दू ड्रामे के ऊपर काम किया। तो इसमें क्वेश्चन वो आमतौर पे पहले ड्रामे का नाम पूछ सकता है, उर्दू के अंदर पहला ड्रामा किसने लिखा और उसका जो है ड्रामे का नाम क्या था, ठीक है, या वो मशहूर जो ड्रामे हैं उनमें से किसी का नाम दे सकता है कि ये ड्रामा किसने लिखा है। इसी तरह जी वो उर्दू नावल के बारे में आपसे पूछ सकता है कि पहला नावल किसने लिखा। तो देखिएगा नावल का थोड़ा सा कि नावल होता क्या है। नावल अंग्रेजी का लफ्ज है जो अतालवी जबान के लफ्ज नावला से माखूज है। नावल के वैसे मायने है नया या अनोखा के, मगर अदब की इस्लाह में नावल से मुराद वो किस्सा लिया जाता है जिसमें वाकियात खिलाफ क्यास ना हो, मतलब के जेन के उल्ट ना हो और रियल वाकियात हो। नावल में आमतौर पर रियल वाकियात होने चाहिए और जो दास्तान होती है वो कहता है दास्तान के बरक्स नावल की बुनियाद हकीकत और फितरत पे उठाई जाती है और फर्जी ख्याली और मफूकुल फितरत बातों से इज्तनाब किया जाता है। नावल का मौजू इंसान है। आज का इंसान तरह तरह के हालातों वाकया से दो चार होता है और मुख्तलिफ किस्म के मसाइल में गिरा हुआ है। और फिर आगे उसने नावल की अकसाम बताई हैं कि इस्लाही नावल भी हो सकता है, समाजी भी हो सकता है, सियासी, तारीखी, महमाती, जसूसी या नजरियाती, या वैसे उसने डिफरेंट चीज़ें बता दी। बताने का मेन मकसद ये कि जो नावल है उसके बारे में वो पूछ सकता है कि पहला नावल किसने लिखा और उसके राइटर कौन से। ये सारी जो तफसील है कि नावल पहला किसने लिखा, ड्रामा पहला किसने लिखा, आप बीती पहली किसने लिखी, ये सारी आगे स्लाइड्स के अंदर मतलब मौजूद है। इसी तरह नावल के बाद ये डिप्टी नज़ीर अहमद को उर्दू का सबसे पहला नावर नगार कहा जाता है और इनका नावल मरातुल अरूस को पहला नावल तस्लीम किया जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अक्सर रिपीट हो जाता है कि उर्दू का पहला नावल नगार कौन है जी, डिप्टी नज़ीर अहमद, और उनका जो नावल है पहला उसका नाम क्या था, मरातुल अरूस 1869 के अंदर, मतलब कि ये कौन सा जमाना है 1869, सर सैयद अहमद खान का जमाना है ये, जिस वक्त उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी के करीब करीब का जमाना है। 1867 में हुई थी ना, तो उस जमाने में इन्होंने ये नावल लिखा डिप्टी नज़ीर अहमद। उसके बाद आ जाती है स्वाने उमरी। स्वाने उमरी जिंदगी के बारे में लिखना, किसी की जिंदगी के बारे में लिखना। स्वाने उमरी को इंग्लिश में भला क्या कहते हैं? एक होती है स्वाने उमरी, एक होती है आप बीती, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है।
स्वाने उम्री होती है किसी की लाइफ के बारे में लिखना, तो इसको कहते हैं बायोग्राफी। बायोग्राफी कहेंगे स्वाने उम्री, ऑटोबायोग्राफी कहेंगे जी आबित्ती को, जो अपने बारे में लिखी गई उसको ऑटोबायोग्राफी कहेंगे, जो अकेली स्वाने उम्री है किसी की भी जिंदगी के बारे में लिखी गई उसको बायोग्राफी। जैसे ये देखिए, हर कदीम तस्करों में कुछ शेरा के शोरा के मुख्तलिफ हालात मिल जाते हैं, ताहम उर्दू में सबसे पहले मौलाना हाली ने बाकायदा तौर पे स्वाने उम्री लिखी। सबसे पहली किसने लिखी जी? मौलाना हाली। स्वाने उम्री लिखने वाले हयाते सादी, उर्दू की सबसे पहले स्वाने उम्री है, ठीक है, हयाते सादी। और मौलाना हाली ने यादगारे गालिब भी लिखी। यादगारे गालिब किसके बारे में थी? मिर्जा गालिब के बारे में। हयाते जुवेद भी लिखी। हयाते जुवेद के बारे में अक्सर क्वेश्चन आ जाता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि जो हयाते जुवेद है वो हाली ने किसके बारे में लिखी। अक्सर लोग मतलब अलामा इकबाल या इस तरह उठा लेते हैं हयाते जुवेद, लेकिन इसका ये है जी सर सैयद अहमद खान के बारे में, हयाते जुवेद 1901। सर सैयद अहमद खान की डेथ हो गई थी ना 1898 में, उसके 3 साल बाद इन्होंने ये हाली ने इनके बारे में लिखी। और पहली वैसे उनकी हयाते सादी है 1883 में लिखी थी। उसके बाद यादगारे गालिब भी लिखी, हयाते जुवेद भी लिखी। ये 3 स्वाने मेरियाँ जो हैं वो मौलाना हाली के नाम से मंसूब हैं। फर्स्ट इन उर्दू देख लीजिए जी, के पहले पहले उर्दू के अंदर कौन कौन से हैं। स्वाना नगरी से सबसे पहले लिखने वाले हैं जी अल्ताफ हुसैन हाली। उर्दू के पहले मुअर्रख हैं राम बाबू सकीना। जदीद नसर के बानी हैं मिर्ज़ा गालिब। इस तरह ये सारी लिस्ट दी हुई है, इसको तो आपको रट्टे ही लगाना पड़ेगा। और यहाँ पे ये थोड़ी सी मतलब नज़र नहीं आ रही, या कह लें कि फेडी है थोड़ा, तो इसके अलावा मैं आपको एक फाइल प्रोवाइड कर दूंगा, उसमें ये ठीक तरह से लिखी होगी सारी चीज़ें ना। ये नेक्स्ट के अंदर भी उर्दू का पहला अफसाना कौन सा है, मजाहिया नावल कौन सा है, बच्चों के शायर कौन से हैं, ड्रामा नगार कौन से हैं, तवील नज़म कौन सी है, महाभारत सबसे बड़ी, ठीक है। इस तरह ये सारे डिफरेंट पॉइंट्स दिए। ये एक और स्लाइड के अंदर आ गया, ये तनकीद की पहली किताब कौन सी है, उर्दू तस्करा की पहली किताब कौन सी है, कुरान पाक के पहले उर्दू मुतरजम कौन से हैं, उर्दू के पहले हिज्जा को कौन है, ये इस तरह सारे पॉइंट इसको आप क्रैमिंग करके याद करेंगे। ये फिर और म्यूजिक पॉइंट आ गए। इसके अलावा ये अलहदा की और किसी सोर्स से दिए हुए हैं, उर्दू अदब में अव्वलियत के सबसे पहले किसने क्या काम किया उर्दू में। अब वो पिछली वाली स्लाइड के कई पॉइंट यहाँ रिपीट होते होंगे, कई उसमें नहीं होंगे। जैसे अब ये वाला पॉइंट है, देखें, परहेजगीर के पहले नोबल इनाम याफ्ता शायर, तो ये हैं जी रविंद्र नाथ टैगोर। ये वैसे भी जनरल नॉलेज में पूछ लिया जाता है, सब कॉन्टिनेंट में सबसे पहले जो है नोबल प्राइज किसको मिला है, तो उस बंदे का नाम है जी रविंद्र नाथ टैगोर। और किस चीज़ के ऊपर मिला? शायर हैं ये, शायरी के ऊपर इनको जो है मिला। ये डिफरेंट टाइप के होते हैं नोबल पीस अवार्ड, पीस के ऊपर होते हैं, लिटरेचर के ऊपर होते हैं, इकोनॉमिक्स पे होते हैं, फिजिक्स पे होते हैं, केमिस्ट्री पे होते हैं, तो इन्हें लिटरेचर में मिला ये। आगे चलते हैं, ये मजीद कुछ वर्क्स दिए हुए हैं, ये भी उसी से रिलेटेड स्लाइड है। आगे आ जाते हैं जी नई चीज पे। पिछली बार 3 चीजों में तो हमने मतलब यही डिस्कस किया कि पहली पहली चीज वो कौन सी पूछ सकता है। फॉर एग्जाम्पल वो नावल नगार का पूछ सकता है, आप बीती का पूछ सकता है, स्वाने उम्री का पूछ सकता है, ड्रामों का पूछ सकता है, खाकों का पूछ सकता है। ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं उर्दू के अंदर जो डिफरेंट वर्क्स हैं उनकी, तो उनका वो पूछ सकते हैं आमतौर पे। आगे मैंने फिर आपको स्लाइडों में 7-8 स्लाइडें दिखाई जिसमें डेटा मौजूद है कि पहला पहला वर्क किसने किया हुआ है, कौन मशहूर है बंदा वर्क के हिसाब से, वो हो गया। उसके बाद हम आते हैं 9वीं चीज जो आमतौर पे पूछी जा सकती है, वो है जी मुहावरा।
मुहावरा अक्सर एक आधा वो पूछ लेता है, दो या तीन नंबर का उर्दू में आता है तो एक आधा मुहावरा ही उसने डाल दिया होता है बीच में ना। तो मुहावरा होती क्या चीज है जी, ये देखिएगा मुहावरा के लगवी मायनी है बातचीत करना के, मगर जुबान की इस्लाम में जब कोई कलाम दो या दो से ज्यादा अल्फाज से मरकब हो और अहले जुबान की बोलचाल के मुताबिक हो और अपने लगवी मानों की बजाय मजाजी मानी देता हो तो वो मुहावरा कहलाता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि वो चीज जो दो से ज्यादा पॉइंट से पे हो और जो है लगवी मायनी के बजाय मजाजी मायनी देता हो, ठीक है। अब आब आब होना, पानी पानी होना, अब मतलब वैसे अगर इसका निकालें आब आब होना तो वो कुछ और निकलेगा, लेकिन इसका जो मजाजी मायनी है वो कुछ और है, शर्मिंदा होना। तो मुहावरे वो अल्फाज होते हैं जो एक या एक दो एक से ज्यादा लफ्जों से मिलके बनते हैं, दो या तीन या इससे ज्यादा, और उनके जो मायनी हैं वो कुछ और होते हैं। और उर्दू जुबान में ये आमतौर पर रोजमर्रा जिंदगी में महफूज होते हैं। अब जैसे ये देख आप देखें गुस्सा पीना, अब गुस्सा पीना कोई गुस्सा ऐसे ग्लास में डाल के तो नहीं पिएगा, लेकिन गुस्सा पीना से मुराद है अपने आप पे काबू वगैरह रखना। तो इस तरह के जो वर्ड होते हैं वो मुहावरा कहलाते हैं, और मुहावरे वो आमतौर पे पूछ लेता है। कल भी मैंने आपको पेपर की जो दिखाई थी पास पेपर्स में कि वो रेपिटिशन होती है, ठीक है। मुहावरे में दो अल्फाज का कम अज कम होना लाजमी है। और एक और चीज है कि जो मुहावरे के अल्फाज हैं उसको हम अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते, मुहावरे को अल्फाज को अपनी मर्जी से हम चेंज नहीं कर सकते। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जी जैसे ये है घोड़े बेचकर सोना, ठीक है। घोड़े बेचकर सोना आमतौर पे होता है लंबी नींद सो जाना। आजकल जिस तरह मौसम चल रहा है इसके अंदर इंसान एक तो गर्मी का मौसम ज्यादा थकावट हो जाती है तो बंदा घोड़े बेच कर सो जाता है, कोई दिन दुनिया की फिक्र नहीं होती, तो गहरी नींद सो जाना। अब इसको हम ये नहीं कह सकते घोड़े फरोख करके सोना, ठीक है, ये गलत होगा। ऐसे तो नहीं ना कह सकते घोड़े फरोख करके सोना। तो उर्दू में जो मुहावरे हैं वो कुछ बन चुके हुए हैं और वो एज इट इज यूज होंगे जिस तरह वो हैं, और उनका मायनी वो शीदा मायनी लिया जाएगा, मजाजी मायनी लिया जाएगा, जो जाहिर मायनी हो रहा है वो नहीं इस्तेमाल। आगे देखते हैं, अब ये कुछ आप मुहावरे देख लें। आब आब होना, शर्मिंदा होना, ठीक है। जुमले में अगर इसको इस्तेमाल करें, जब एक तालबे इल्म नकल करता पकड़ा गया तो वो मारे शर्म के आब आब हो गया, पानी पानी हो गया, ठीक है। जैसे आप में से अक्सर लोग कैश नहीं दे रहे तो अब मैं उन्हें इंडिविजुअल मैसेज करूंगा और या कॉल करूंगा और उनसे पूछूंगा कि क्या वजह है, तो वो लोग मारे शर्म के आब आब हो सकते हैं ना रोजे में भी। आगे देखें, आबरू खाक में मिलाना, जलील करना, इसने इतने बुरे काम किए कि अपने बुजुर्गों की आबरू खाक में मिला दी, ठीक है। इसी तरह आगे भी आप दीदा होना, आंखों में आंसू भराना, आपा धापी पड़ना। अब ये देखें ये थोड़ा सा अलहदा सा लफ्ज है, अफरा तफरी की हालत होना, आपा धापी पड़ना, अफरा तफरी की हालत होना, आपे से बाहर होना, ठीक है, खुशी की कैफियत होना या हद दर्जे का गुस्सा आ जाना, अपने आप से बाहर हो जाना, और आटे में नमक के बराबर होना, बहुत कम होना। पाकिस्तान में गैर मुस्लिमों की तादाद आटे में नमक के बराबर है, एक इसमें एग्जाम्पल दी गया। अच्छा यार ओप्पो F7 आपने अपना नाम ओरिजिनल
मैं जरा वो अपना अलमदार मुझे होस्ट बनाना, जरा एक कॉल आ गई थी तो आप डिस्कनेक्ट हो गए। अलमदार मुझे होस्ट कर देना, रिकॉर्डिंग आपकी जारी रहेगी, मैंने वो स्लाइड शेयर करनी है। जी अच्छा, हाँ मैं दूसरा कह रहा था, ये ओप्पो X7 आप अपना नाम चेंज कर रहे हैं, वो फिर मुझे थोड़ा सा माइंड में वो बनता है ना इमेज के कौन क्वेश्चन कर रहे हैं या क्या, उस वाले से फिर कंफ्यूजन होती है, तो आप कहेंगे अपना नाम चेंज कर रहे हैं, ओरिजिनल नाम रख लें। अच्छा हम कहाँ पे थे, कहाँ पे थे और कहाँ आ गए, क्या बात हो, मुहावरे की बात हो रही थी। ठीक है, ये कुछ मुहावरों का जुमलों में मैंने आपका मुहावरे इस्तेमाल हो जाते हैं, ठीक है, शायरी में भी इस्तेमाल होते हैं, तो शायरी में वो आपसे ये भी पूछ सकता है, मतलब पूछ सकता है शायरी में कि इधर इस वर्ड का क्या मतलब है। जैसे मिसाल देखें, लाए इस बुत को इल्तजा करके, कुफर टूटा खुदा खुदा करके। ठीक है, अब कुफर टूटना, कोई कुफर कोई चीज तो नहीं है जिसने टूट जाना है, ठीक है, या खुदा खुदा करके, ये बेसिकली मुहावरे के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं यहाँ पे वर्ड। अगला देखिए शेर, कल तुम जो बज़्मे गैर में आंखें चुरा गए, खोए गए हम ऐसे के अग्यार पा गए। ठीक है, आंखें चुरा गए, अब ये एक मुहावरा है, खोए गए हम ऐसे के अग्यार पा गए, तो खोए गए भी जो है वो एक मुहावरे के तौर पे। अब ये दोनों शेरों में कुछ वर्ड्स यूज हुए हैं जो मुहावरे के तौर पे यूज हुए हैं, और जब वो पूछता है तो बड़े फाइन शेड्स में पूछ लेता है। ठीक है, आंखें चुरा गए का क्या मतलब है, आंखें ना मिलाना, शर्मिंदा हो जाना, ये वो इस तरह करके, तो वहां थोड़ा सा डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उर्दू से मैंने आपको बताया हमारा नाता काफी अरसे से जो है वो नहीं जुड़ा हुआ, ये वजह बन जाती है। चलें खैर आगे चलते हैं, मुहावरे हो गए हमारे। अच्छा, खुतबातो अलकाबात, ये 25 मैंने दिए हुए इधर खुतबाते अलकाबात, ये भी याद कर लीजिएगा, तो आप लोगों को मतलब ज्यादा इसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं कि दाएं बाएं से, या जैसे मैंने आपको बुक बताई थी कलीदे उर्दू की, उसको भी देखें आप, जस्ट ये दो लेक्चर देख लें, इसमें थोड़ा सा मटीरियल जो क्रैमिंग वाला है उसको क्रैम कर लें, जो समझने वाला है उसको समझ लें, अगर क्वेश्चन बिल्कुल ही ऐसा आ गया जो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा पेपर में, तो फिर उसको स्किप कर देना बेहतर है, क्योंकि आपको पता है नेगेटिव मार्किंग होती है, और आखिर में अक्सर लोगों के 50-55 नंबर बन रहे होते हैं, लेकिन ऊपर वाली नेगेटिव मार्किंग की वजह से वो 40 मार्क्स भी नहीं ले पाते, खासकर ये बात फीमेल्स, माइनॉरिटीज और डिसेबल लोगों के लिए है, क्योंकि जो ऑब्जर्व किया गया आमतौर पर ये 3 सीटें खाली रह जाती हैं आमतौर पर ना, जैसे अभी फीमेल्स की सीटें आई हैं, वो आई हैं गालबन 1 सीटें हैं वो रिसर्च कैडर में 10, उसमें से 8 फीमेल की हैं, ठीक है, और एक मेरा ख्याल माइनॉरिटी की है, और एक शायद ओपन मेरिट है, इस तरह का कुछ है, तो वो अक्सर खाली रह जाती है, 40 मार्क्स भी नहीं आते बच्चों के ना, तो वो होता क्या है, वो इसी वजह से कि जहाँ पे आप मारते हैं ना, हाँ जी पी आ रही में तुक्के मारते हैं, तो तुक्के भी एक हिसाब से मारने चाहिए, उसका मैंने आपको पहले दूसरे लेक्चर में थोड़ा सा आइडिया भी दिया था कि 3 कैटेगरीज होती हैं, थोड़ा सा फिर आपको बता देता हूँ मार्क्स लेने वाली। एक कैटेगरी उन लोगों की होती है जिनके नंबर 40 से भी कम होते हैं, आपने पेपर जब अटेम्प्ट करना होता है ना बेसिकली, क्योंकि अब आखिरी हमारे 3-4 दिन चल रहे हैं, तो जहाँ टिप्स कोई मेरे माइंड में आती हैं तो वो मैं आपको बता दूं, मेरा ख्याल है तो एक अब ये मेरे माइंड में आ रहा था कि अच्छा पेपर अटेम्प्ट करने की टेक्निक क्या है। देखें 3 कैटेगरी के लोग होते हैं, एक वो लोग होंगे पेपर अटेम्प्ट जो करेंगे, आप एक दफा आपको चाहिए कि पहले पेपर पढ़ें और जो आपको 100% कंफर्म है उसके ऊपर टिक करते जाएं, कुछ वैसे ऐसे भी बच्चे होते हैं जो पहले 20 मिनट में ही पूरा पेपर हल करके एक दफा मारते हैं, वो नहीं देखते क्या आता है क्या नहीं जाता, वो बस पेपर हल कर देते हैं सारा, और बाकी सारे हैरत से देख रहे होते हैं कि इसको आता था या नहीं आता था ये जो उठ के जा रहा है, तो उसमें जो कैटेगरी है जिनके जिन्होंने पहले अटेम्प्ट में क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और उन्होंने देखा उनके 20 से 25 ठीक है, उनको आते ही 20 से 25 है, इससे ज्यादा उनको नहीं आते, ठीक है, ऐसी सूरत में वो लोग पूरा पेपर अटेम्प्ट करेंगे आप में से, लेकिन उम्मीद है आप में से ऐसे कोई वो लोग नहीं होंगे, आप लोग उनमें से ही होंगे जो इससे ज्यादा आप लोग ठीक होंगे, बाकी आपकी मेहनत पे आ गए।
तो अगर आपके 20 से 25 ठीक हैं पहली थ्रू में, आपने देखा मुझे यही आते हैं बाकी सारे तो नहीं आते, तो आप तुक्का लगाएंगे, आप डेफिनेटली पूरे एमसीक्यू करेंगे क्योंकि आपके पास और कोई चांस ही नहीं बचा। दूसरी कैटेगरी के लोग वो होंगे जो बहुत ही लाइक होंगे, जो 70 के करीब पहले अटेम्प्ट में 70 के करीब वो बैट स्कैन से पेपर आ गया पूरे का पूरा, बैट स्कैन उन्होंने पढ़ी हुई थी या ब्रेन टीजर से आ गया या जो रिलेटिव उन्होंने बुक पढ़ी हुई थी, जर्नल नहीं आया किसी बुक से आ गया, उनके 70 के करीब ठीक है, पीछे रह गए 30। वो लोग भी सारे एमसीक्यू स्टिक करेंगे, बाकी 30 के ऊपर भी वो तुक्का लगाएंगे। जिन लोगों के बहुत कम नंबर हैं या जिन लोगों के बहुत ज्यादा नंबर हैं पहली अटेम्प्ट में, उन्होंने देखा कि इतने हैं हमारे ठीक हो जाएंगे, वो सारे एमसीक्यू अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि 70 वाला बंदा है वो 30 अटेम्प्ट करेगा, 30 में से 4-5 तो उसके ठीक भी हो जाएंगे कोई नेगेटिव मार्किंग करके, ज्यादा से ज्यादा 70 से वो 65 पे आ जाएगा, अगर बहुत ही किस्मत खराब हुई सारे गलत हो गए उसके, 30 के 30 ही गलत हो गए, 7.5 नंबर बनते हैं ना नेगेटिव मार्किंग, 63 पे आ जाएगा हद, बहुत ही किस्मत खराब हुई, इतनी किस्मत खैर खराब नहीं होती किसी की के सारी खराब हो जाए, कुछ ना कुछ ठीक हो जाता है। अब तीसरे नंबर पे लोग आ जाते हैं जो आमतौर पे हम डीवीएम वाले सारे ही होते हैं, जिनके मार्क्स होते हैं 50, 52, 53, 54 इसके दरमियान या 60 से नीचे नीचे, इन लोगों को पहली अटेम्प्ट में पेपर अटेम्प्ट करने के बाद बहुत मुहतात होना पड़ता है, ठीक है, या और भी कोई भी ऐसे सब्जेक्ट जिनमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर आता है और उस सब्जेक्ट का मेरिट ज्यादा नहीं बनता, अप्लाई बहुत लोग करते हैं ये बात मानते हैं, लेकिन पिछले दिनों फिजिक्स केमिस्ट्री के पेपर हुए, आप यकीन करें लाखों लोगों ने अप्लाई किया था लेकिन क्वालिफाई नहीं कर सके, किसी के नंबर 32, किसी के 33, 40 भी नहीं आए, वो सीटें खाली रह गई, ठीक है, और भी ऐसी एग्जाम्पल होती हैं कि सीटें खाली रह जाती हैं। तो इधर बड़ी आपको जरा होशियारी से देखना पड़ेगा, आपने 55-60 कर लिए, आपको आइडिया हो गया कि यार मेरे 55-60 में से ना चलो 50 तो ठीक ही है, ठीक है, बाकियों को अब आप कोशिश करेंगे दूसरी अटेम्प्ट दोबारा से पढ़ें, उनमें से आप कोशिश करेंगे जो एमसीक्यूज ऐसी हैं जिनमें 50% का मार्जिन है, 50% का मार्जिन आपको दो के अंदर कंफ्यूजन है, आमतौर पर ज्यादातर होता है ऐसे ही है कि दो लफ्जों में कंफ्यूजन आपको होती है, वो भी आप अटेम्प्ट कर लें, फिर तीसरी दफा पेपर पढ़ें और वो एमसीक्यू देखें जो आपको बिल्कुल भी नहीं आते, जिसकी ना आपको स्टेटमेंट का पता है ना उसके जो अंडर क्वेश्चन आए हुए हैं उसका पता है, ऐसे क्वेश्चन को आपने कोशिश करनी है आपने स्किप कर देना है, ऐसे जनरल नॉलेज में भी हो सकते हैं, हो सकता है वो कोई ऐसा ज्योग्राफी का या मतलब ये बहुत बड़ी फील्ड है जनरल नॉलेज, तो आपने कोशिश करनी है 12 से 14, 15 हद इतने अटेम्प्ट करने, 4-5 अगर कोई बहुत ही मुश्किल आ गया ना उनको स्किप भी कर दें तो कोई मसला नहीं, और ये उन लोगों के लिए जिनके 50 से 55 के दरमियान होंगे पहली अटेम्प्ट में, तो उन्होंने थोड़ा सा मुतात रहना होता है, तो होता बाज का ये है जब वो घर आते हैं उनको 50 से 55 ठीक होता है, उसके बाद वो तुक्कालाइजेशन करते हैं तुक्के लगाते हैं, और जब वो आके नंबर गिनते हैं तो वो उनके जो 50 ठीक होते हैं वो 50 उल्टा नेगेटिव मार्किंग होकर वो 38, 39 पे ड्रॉप हो जाते हैं, तो ये बड़ी मतलब फिर जो है अफसोस होता है बंदे को कि मैं सारों पे ना लगाता, तो इस हवाले से आपने अपना कैलिबर चेक करके टेस्टिंग आप रेगुलर दे रहे हैं जो लोग, उनको आइडिया होगा कि हम कितना कितने पानी के अंदर है, तो वो इस चीज को देख लें। बाकी एक टिप और शेयर की थी मैंने शुरू के अंदर, वो मैं रिपीट कर देता हूँ कि सम टाइम ऐसे होता है कि एक एमसीक्यू आप अटेम्प्ट करते हैं आपको उसका कंफर्म आंसर पता होता है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के पार्टीशन ऑफ बंगाल की अनोलमेंट कब हुई, कब खत्म हुई, 1911, आपको कंफर्म आंसर पता है इसका जवाब 1911 है, ए में होता है 1910, बी में होता है 1911, सी में 1912, आप बबल बी फिल करते हुए गलती से सी फिल कर देते हैं, 1912 को फिल कर देते हैं आप एकदम पीछे मुड़ के देखते हैं तो जो क्वेश्चन पेपर पे तो आप सर पकड़ के बैठ जाते हैं, ओहो ये तो पक्का नंबर था जो मुझे आता भी था लेकिन बबल फिल करते में मेरे से गलती हो गई है, उसके अंदर अब आपने क्या करना है, जिसमें आपको 100% कंफर्म है कि ये मुझे आता था और मेरे से गलत हो गया है, अब आपका कितना नंबर कटने लगा है, 1.25, क्योंकि आपने गलत मार्क कर दिया तो 1.25 नंबर कटना है, इस सूरत में आप अपना 0.25 नंबर बचा सकते हैं, वो कैसे बचा सकते हैं, आपने क्या करना है आपने चारों बबल फिल कर देते हैं, चारों बबल जब आप फिल कर देंगे तो जब वो कंप्यूटर में जाएगा तो वो रीड नहीं कर पाता उसको कि आपने क्या मार्क किया, क्योंकि चारों ही मार्क किए में आपने, तो वो आपका एक नंबर ही कटता है, आपके मार्क जो है वो 1.25 की कटता, तो ऐसा जहाँ पे बहुत ज्यादा आपसे ब्लंडर हो जाए और आपको पता चल गया कि मैंने जो है पाँव पे कुल्हाड़ी मार दी है तो वहां पे चारों बबल फिल कर, चारों फिल कर देंगे हद चले यही हो जाएगा ना, 1.25 ही कट जाएगा ना उसका, इससे ज्यादा तो नहीं वो काटने लगा,
लेकिन होता ही है कि उसका आपका सिर्फ नंबर एक कटता है, ऊपर वाला 0.25 आपका बच जाता है। अच्छा तो अब ये देखें जी, खतवातो अलकाबात देखते हैं डिफरेंट लोगों को, जैसे खकानिये हिंद किसको कहते हैं, जोक को, शम्सुल उलमा किसको कहते हैं, मौलाना अल्ताफ हुसैन अली, बाबा ए उर्दू ये बड़ा फेमस है, मौलवी अब्दुल हक, खुदाए सुखन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मीर तकी मीर, लसानुल असर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अकबर आला आबादी, नजमुल दौला, आगे मिर्जा नौशा, शायरे मजदूर, शायरे इनकलाब, याद आदम, सबरे गम, ये बस नॉर्मल है, ये 25 हैं टोटल, इनको याद करना इतना मुश्किल नहीं है, एक दफा आप याद कर लीजिएगा, ये अगली भी देखें इसके अंदर है, ठीक है। इधर फिर ये इधर इंपॉर्टेंट है, ये उर्दू का बर्नार्ड शाह, अल्ताफ हुसैन अली है, हिंदुस्तान का शेक्सपियर, आगा हसर कश्मीरी है, ठीक है। इस तरह के आप लोगों ने जो है वो याद कर लेने हैं। तूतीय हिंद का वो पूछ लेता होता है अमीर खुसरो, तो ये आप देख लीजिएगा अलकाबाद के हवाले से किन किन लोगों को दिए गए हैं। उसके बाद आइए सेंटेंस करेक्शन की तरफ, सेंटेंस करेक्शन भी अक्सर दे दी जाती है पेपर में, बल्कि आमतौर पे होता ही है, एक मुहावरा दिया जाता है, एक सेंटेंस करेक्शन दी जाती है, और एक वो फर्स्ट में से पूछ लेता है, मतलब इन तीन में इसी आमतौर पे आपके 3 नंबर का क्वेश्चन वो दे देता है, अगर एग्जामिनर बंदे का पुत्र हो तो, अगर वो वैसे घर से तंग है, बेगम से लड़ाई हुई भी है, या रोजा उसको लग रहा था उसमें, उसने पेपर बनाया तो फिर वो कुछ नहीं कहा जा सकता, फिर इसी में आफियत है कि आप स्किप करते हैं क्वेश्चन। अच्छा, गलत जुमलों की दुरुस्ती क्या होती है? देखें, तहरीर और तकरीर में जुबान और बयान की सेहत का ख्याल रखा जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, जब आप कोई बात कर रहे हैं थोड़ा सा लफ्ज को ऊपर नीचे करने से बिल्कुल ही जो है मतलब चीजों का चेंज हो जाता है, ठीक है। तो गलत जुमलों की दुरुस्ती में ये कुछ असूल है, अब टाइम कम है तो ये असूल आप पढ़ लीजिएगा, ज्यादा वो मुश्किल नहीं है इसको आपको वैसे पढ़ना, फाइल आपको भेजूंगा तो जूम करके पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है, ये क्योंकि छोटे छोटे लिखे हुए हैं। तो कुछ मैं आपको जुमले बता देता हूँ जो ठीक किए हुए हैं, ये असूल आप बाद में चाहे देख लेना। ये देखिए, जुमले जो होते हैं उसमें आमतौर पे इमला की गलती हो सकती है। पहला देखिए, ईद उल अजहा मुसलमानों का मजहबी त्योहार है, अब यहाँ पे उसने ईद उल अजहा जो है ना उसके गलत लिखा हुआ है, ईद उल अजहा असल में इस तरह लिखा जाता है, ईद उल अजहा, ठीक है। अब वो हो सकता है एक जुमला दे ईद उल अजहा मुसलमानों का मजहबी त्योहार है और नीचे फिर 4 जुमले दे देगा वो, उसमें ईद उल अजहा के डिफरेंट उसने इमला दी होगी। फिर देखिए, अस्सलामु अलैकुम के बाद अर्ज है, अब अस्सलामु अलैकुम में वाव नहीं आता, अस्सलामु अलैकुम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। वाकया देख लें, ये वाला देख लें, ये वाकया कब पेश आया, तो वाकया ये वाला वाकया कब पेश आया में वाकया इस तरह आता है, और ये वाला देख लें, हमने हिसाब का कायदा सीखा, अब कायदा ये वाला नहीं होता, कायदा ये वाला होता है, ठीक है। फिर कायदे आजम कराची में पैदा हुए, कायदे आजम का जो ये उसने लिखा हुआ है गलत लिखा हुआ है, कायदे आजम ऐसे नहीं होता, कायद इस तरह होता है ये, अब तो लफ्ज भी भूल गए हैं वो, जो अली बे पे ते के अंदर जो डिफरेंट लफ्ज यूज होते हैं उन लफ्जों को क्या कहा जाता होता था, कैसे पढ़ते हैं। तो खैर, इमला की गलतियां इस तरह आ सकती है, मतलब कोई जुमला गलत हो तो इसमें इमला की गलती होती हो सकती है, वाइस जमा की गलती भी हो सकती है, जैसे मैंने 2 मन गेहूं खरीदा, 2 मन गेहूं खरीदा, अब 2 मन खरीदा है तो खरीदा नहीं होगा, खरीदे होगा, वाहिद ये जमा का जुमला था ना। अब यहाँ हर अमराज का इलाज होता है, अब अमराज तो वाहिद है, इलाज होता है नहीं होना चाहिए, अब ये देखें अमराज का इलाज होता है नहीं, यहाँ हर मर्ज का इलाज होता है, मतलब ये कि ये जो जुमले गलत दिए हैं ये वाहिद जमा की गलतियां हैं। मैंने हर ममालिक की सैर की, अब आपने ये कभी, हम ऐसा नहीं बोलते हैं मैंने हर ममालिक की सैर की, हम हमेशा कहते हैं मैंने हर मुल्क की सैर की, वैसे ऐसे बोलने का हमें अभी तक मौका तो नहीं आया, अल्लाह इस तरह का मौका दे। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ वाहिद जमा की गलतियां भी हो सकती हैं फिक्रों के अंदर, और एक और टाइप की इस तरह जायद और मुतशाबा अल्फाज भी हो सकते हैं, उससे क्या मुराद है जी? ये देखिएगा, मैं ये किताब आपकी नजर करता हूं,
अब यहाँ पे उसने नजर गलत लिखा हुआ है, नजर ऐसे होना चाहिए था, मैं नजर करता हूँ, ऊपर वाले में उसने नाम गलत लिखे हुए हैं, नजीर जी वो दोबारा से कॉल आ गई थी। चलें ये इधर ना मीटिंग को एंड करके दूसरी स्टार्ट करते हैं, वैसे भी टाइम एंड हो गया, 9:58 तो हो गए हैं, ये मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ और दोबारा से यहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? दोबारा ज्वाइन कीजिएगा आप लोग।